हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू द वीडियो ऑन लॉकी क्राफ्ट सुपर सर्वाइवल। और आज के हम दोबारा खेलने वाले लॉकी क्राफ्ट सुपर। और लास्ट एपिसोड में मैंने लाई थी विलेज से एक नेदरराइट सॉर्ड जिसके अंदर शार्पनेस 5, लूटिंग 3 और अनब्रेकिंग भी लगी हुई है। और अभी लास्ट एपिसोड में हमारा जो वाटरमेलन फार्म है उसके अंदर कुछ वाटरमेलन मैंने कट किए थे। और फिर यहाँ पे और एक वाटरमेलन आ चुका है, इसको भी कलेक्ट कर लेते हैं। और लूटिंग फ्री होने के साथ साथ मुझे बहुत आता है। तो फिलहाल यहाँ पे बहुत सारे व्हीट लगाए थे मैंने लास्ट एपिसोड में, क्योंकि मेरे पास कुछ शिप्स है जिन्हें मुझे हमें टेम करने के लिए, टेम तो होती नहीं शिप्स वैसे भी, उन्हें ब्रीदिंग करने के लिए हमें लगता है, इसलिए मैंने इसको रख लिया था। और फिलहाल मैं इसके जो सिर है उसे वापस लगा लेता हूँ, बाद में काम आएगा। और यहाँ पे बहुत मस्त से वीट उग जाते हैं, अच्छे खासे उग जाते हैं। और अभी फटाफट इनकी सिर वापस लगा लेता है। बीट रूट भी मैंने लगाया था, बीट रूट इतने आते नहीं है। फिलहाल इस बीट रूट को वापस लगा लेता हूँ यहाँ पे। और फिलहाल यहाँ पे मस्त सा एक स्विमिंग पूल टाइप से इसके अंदर चलते तैरते हुए आगे। और गाइस आप जो यहाँ पे गेट देख रहे हो, फेंस गेट, जो कि डार्क है, थोड़ा सा इसका कलर तो बदल चुका है क्योंकि मेरे पास नॉर्मल ओक लॉक नहीं थे, मैंने डार्क ओक लॉक से फेंस को बना लिया था। बाद में इसको एक्सचेंज कर लेंगे। फिलहाल मैं बीट रूट में कलेक्ट कर लेता हूँ। और आज के वीडियो में मुझे बनाना एक मस्त सा अल्टीमेट अनलिमिटेड पूरा का पूरा मस्त सा आयरन फार्म, जिससे मुझे अच्छे खासे आयरन डेली मिलते रहे और मैं बहुत मस्त से डेली पिकैक्स कुछ भी बना सकूँ। और फिलहाल मैं इस गेट को क्लोज कर लेता हूँ और मेरा जो सॉल इसको दिखा दे, चलते इसको दिखा, यहाँ पे कोई देखने वाला भी नहीं है। फिलहाल यहाँ पे चलते वापस और यहाँ पे मस्त हमारा, और जहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ उस जगह मैं आपको दिखाने वाला हूँ। फिलहाल हमारे शिप से या फिर अपने एक से, और मैं आपको दिखाता हूँ अब मैं कहाँ पे बनाने वाला अपना आयरन फार्म, क्योंकि अपना पुराना घर है जिसको मैंने सेकेंड एपिसोड में बनाया था, उस वाले घर के बाजू में भी बनाने वाले। और इस घर को भी मेरे को तोड़ना है क्योंकि यहाँ पे कुछ बहुत ही ज़्यादा कबाड़ा है, एक दिन इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे गेट है। और इस गेट के अंदर घुसते हमें यहाँ पे आ जाने वाले, और ये भी बनने वाला आज हमारा आयरन फार्म जो हमने फर्स्ट एपिसोड में, और एक यहाँ पे मैं पहले रहता था, अभी भी इस जगह को मैंने कुछ भी नहीं किया है। और फिलहाल मैं यहाँ पे बनाने वाला आयरन फार्म, जो कि जगह बहुत ही मस्त है। तो ये मुझे एक मस्त सा 5x5 का डिक मस्त एकदम मस्त सा गहरा गड्ढा करना है, जिसके अंदर मैं अपने विलेजर्स को ला सकूँ, क्योंकि मैं बाजू वाले विलेज से जहाँ से डेजर्ट सॉल्ट लाई थी वहाँ से बहुत सारे विलेजर्स को भी लाने वाला हूँ। फिलहाल मैंने विलेजर्स को बोट में बिठा रखा, वहाँ पे जाके जा रहा लेके आना है। फिलहाल यहाँ पे नाइट होने वाली है, यहाँ पे फटाफट से मैं अपनी जो आयरन फार्म के लिए जगह है उसे स्टोर कर लेता हूँ। फिलहाल मेरे पास ये हमारी जो ब्रेड है इसको ले लेता है, इसका आयरन पिकैक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाटर बकेट और वो भी सब कुछ यहाँ पे रख लेता है मिस्ट्री वाले चेस्ट के अंदर। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू ब्यूटीफुल डे। और फिलहाल डे हो चुका है मस्त सा, और फिलहाल मैं यहाँ पे बाहर जाके देख लेता हूँ। और मस्त हमारे शिप्स भी बाहर निकलने की तड़प रही है, और मैंने फेंस भी हमारी जो टॉर्च है उनको भी लगा लिया था फेंस के ऊपर, जो कि बहुत मस्त लग रही है। रात में कोई जॉम्बी वॉम्बी स्पॉन नहीं होते यहाँ पे इस वजह से। और फिलहाल मैं यहाँ पे अपने जो चेस्ट है इसके अंदर कुछ आयरन वगैरह इसकी ज़रूरत नहीं है, बीट रूट सीड की भी ज़रूरत नहीं है, हमारे जो बाकी का सामान है इसको रख लेंगे। फिलहाल मुझे चाहिए कुछ डर्ट, क्योंकि आजू बाजू में डर्ट लगानी पड़ेंगी। और फिलहाल मुझे और चाहिए, मेरे पास बेड पड़े हुए, 3 बेड मैंने क्राफ्ट किए थे पिछले वीडियो में, नहीं मैंने ऑफ कैमरा इसको क्राफ्ट किया था। और फिलहाल आयरन नगेट मेरे को लगने वाले नहीं है। और फिलहाल और क्या चाहिए यहाँ पे रखने लायक, कुछ भी नहीं। तो फिलहाल इतनी चीज़ें बहुत हो जाएंगी। फिलहाल मैं यहाँ पे ग्लासेस ले रहता हूँ, ऊपर वाली साइड पे लगाने में काम आएगा। और फिलहाल और कुछ है यहाँ पे रखने लायक, कुछ भी नहीं। तो बाकी का मैं बाद में लेके आऊँगा, फिलहाल यहाँ पे कुछ भी नहीं लेने लायक। थोड़ा से चलते हैं आयरन फार्म वाली जगह पे, जहाँ पे मैं अपना आयरन फार्म बनाने वाला हूँ। फिलहाल फटाफट से चलते हैं नीचे वाली साइड, और फिलहाल मैं यहाँ से निकलता हूँ और चलते उसी जगह पे। मेरे को 5x1 का एक मस्त सा गड्ढा करना है, जिसके अंदर मैं अपना आयरन फार्म बनाने वाला हूँ। और फिलहाल मैं उस वाली जगह पे आने वाला हूँ बहुत ही जल्द, और उस वाली जगह पे फटाफट से आ चुका हूँ मैं। और अभी फटाफट से मैं इस वाली साइड से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे लगा लेते हैं अपनी पॉट से डर्ट्स। मैं कितना बना रहा हूँ, कितना बड़ा बना रहा हूँ मेरे को पता नहीं। मेरे को सिर्फ 5x1 का डिक सा गड्ढा करना है, जिसके अंदर मैं हमारे विलेजर्स को रख सकेंगे। और यहाँ पे बहुत सारे जॉम्बीज को मुझे स्पॉन कर रखना होगा वहाँ पे। तो स्पॉन तो होंगे नहीं, तो ऑटोमेटिक तो स्पॉन होने वाले नहीं, उनको मुझे रात में कहीं से लाना होगा, तो मैं देख लूँगा। फिलहाल मैं यहाँ पे अपने डर्ट है उसको लगा लेता हूँ अच्छे से, इतना बड़ा गड्ढा बहुत हो जाएगा। फिलहाल इसको तोड़ लेता हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा मैं बड़ा करना चाहता हूँ, बट इसको कलेक्ट कर लेते और थोड़ा सा और बड़ा कर लेते, और इसको अभी दोनों को ज्वाइंट कर लेते। और फिलहाल यहाँ पे मस्त सा हमारा बेस बन चुका है, और मुझे मस्त सा गहरा गड्ढा यहाँ पे करना है, जो मैं फटाफट से इसको भी कर लूँगा। फिलहाल यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट किया जाए वो पता नहीं चल रहा। फटाफट से यहाँ पे इस वाले साइड से स्टार्ट करते, और इस वाले साइड से मुझे कोई रास्ता बनाना होगा, क्योंकि मैं नीचे ऊपर कर सकूँ, क्योंकि इतने दूर मेरे को वापस नहीं जाना होगा। तो फटाफट से 5x1 का मस्त गड्ढा बनाता है। तो फटाफट से यहाँ पे स्टार्टिंग करते, इधर वाले साइड पे चलते। यहाँ पे स्टोन है, स्टोन पिक मेरे लिए आयरन पिकैक्स लेके आया स्टोन माइन करने के लिए।
फिलहाल मैं यहाँ से ऊपर चलता हूँ और पूरा का पूरा क्राफ्ट कर लेते हैं। और फिलहाल गाइस मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे क्राफ्ट कर लिया है ऑफ कैमरा, और अभी मस्त सा मेरे जो इस वाली जगह बकी थी उस जगह पे भी लगा लेते हैं डॉट, पर वो लगने रही है। फिलहाल मैं बाहर आ चुका हूँ और मुझे यहाँ पे बेड्स लगाने हैं, विलेजर्स को लाना है और आयरन गोलम, तो ऑटोमेटिक विलेजर्स जब भी परेशान होंगे तब स्पॉन होते जाएंगे और मुझे उनसे आयरन मिलने वाला है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे अपने जो बेड से उन्हें भी लगा लेता हूँ और मैं यहाँ पे फटाफट से कुछ कर ले, यहाँ पे भी थोड़ी मोटी डर्ट लगानी होगी क्योंकि जॉम्बी से उन्हें भी पूरा का पूरा पैक करना होगा मैं इनको। तो मैं फटाफट से यहाँ पे कुछ बेड्स लगा लेते हैं और आगे का देखते हैं। यहाँ पे फटाफट से एक बेड लगा लेना है हमें, फटाफट से मैं अपने जो बेड से उन्हें बाहर निकालते वन इसको लगा लेते, यहाँ पे टू बेड हो गए, यहाँ पे थर्ड बेड भी हमारा आ चुका, तीन ही बेड मैं लाए और मैं फोर विलेजर यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो फटाफट से यहाँ पे लगाते, ओके बेड लग जाओ, वन टू एंड थ्री, थ्री बेड यहाँ पे लग चुके और फिलहाल यहाँ पे मेरे जॉम्बी स्पॉन हो जाने वाले और यहाँ पे विलेजर्स रहने वाले ना, तो पता है फिलहाल मेरे विलेजर्स को लेके आना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा विलेजर को भी लेके आएंगे। फिलहाल मैं चलता हूँ यहाँ से, यहाँ पे कुछ डर्ट लगी तो इनको भी कलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे स्टोन है उनको भी कलेक्ट कर लेता हूँ और फिलहाल यहाँ पे डर्ट इसको भी कलेक्ट कर लेते हैं और फटाफट जल्दी ऊपर। ऑलराइट गाइस मैं ऊपर आ चुका हूँ और अब अपना मस्त यहाँ पे सेटअप हो चुका है, यहाँ पे आयरन फार्म के लिए स्टार्टिंग करनी है हमें। फिलहाल मेरे को विलेजर्स के पास जाना होगा तो यहाँ पे विलेजर बहुत ज़्यादा दूर है नहीं, फटाफट से वो विलेजर्स पे जाके आएंगे और कुछ मेरे को यहाँ पे लेके आने होंगे विलेजर्स, में फोर विलेजर्स को लाने वाला हूँ और उसके साथ मुझे लाने होंगे बहुत सारे होपर्स और चेस्ट्स, बहुत कुछ लगेगा। फिलहाल मैं चलता हूँ अपने घर के अंदर जिसके अंदर मैं कुछ होपर्स और चेस्ट माइन करके आता हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल के ऊपर जाना होगा फटाफट से, तो क्राफ्टिंग टेबल चलते हैं और देखते हैं होपर पे रेसिपी क्या है। ओके मेरे पास 5 आयरन नगेट्स भी पड़े हुए और चेस्ट भी मैं बना लूँगा फटाफट से, यहाँ से मैं बना लेता हूँ प्लैंक्स और प्लैंक से बन जाएंगे मस्त सी चेस्ट और चेस्ट से बन जाएंगे मस्त होपर। अभी अपनी चेस्ट कहाँ पे है, ओके यहाँ पे एक चेस्ट है इसे बना लेते हैं और यहाँ पे चेस्ट को करते क्लिक और यहाँ पे बन जाएगा हमारा मस्त होपर। इन पूरे होपर्स को मुझे क्राफ्ट कर लेना है और अगर मैं बहुत से होपर्स मिलने की टोटल 4 है वो होपर्स मैंने क्राफ्ट कर लिए और फिलहाल मुझे कुछ चेस्ट भी क्राफ्ट करने होंगे तो मैं 4 चेस्ट को क्राफ्ट करने वाला हूँ। तो फिलहाल मेरे पास बहुत सारे प्लैंक्स भी पड़े हुए तो इस प्लैंक्स को यहाँ पे लगा के कुछ चेस्ट भी बना लेनी चाहिए, तो मैंने 40 चेस्ट भी बना लिए। तो फटाफट से मुझे जाना होगा उस वाले फार्म पे जाके मैं रखने वाला इन तीनों को, यहाँ पे पहले मैं विलेजर्स को ला लूँ फिर तक मिलने वाला है। ऑल राइट गाइस मैं विलेज की तरफ आ चुका हूँ, मैंने ऑफ कैमरा यहाँ पे ब्रिज बना लिया था और फिलहाल मुझे यहाँ पे मस्त सा रास्ता मेरे इसको बोट में लाने वाला, इसका कोई ज़रूरत है नहीं। फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ खा पी लेता हूँ और फटाफट से चलते हमारे बस से विलेजर्स की तरफ जो कि मैंने यहाँ पे रख रखे और फटाफट से इनको बोट में बिठा रखा है मैंने, तो फटाफट से इन विलेजर्स को भी लेके जाना है हमें। थोड़ा से चलते भाई इस फटाफट से इसके स्टार्ट करते, एक ब्लैक स्मिथ है जिसको मैं लेके जाने वाला हूँ फटाफट से इस बोट के ऊपर बैठे और इन्हें कैसे लेके जाना है मेरे को पता नहीं। फिलहाल यहाँ से निकलते हम फटाफट से और मैं फिलहाल यहाँ पे बहुत ही स्लोली जा रहा हूँ और इसे स्लोली कब तक मैं पहुँचूंगा मेरे को पता नहीं। फिलहाल मैं कुछ क्वार्टर है तो वाटर के अंदर तो हम इजीली पहुँच जाएंगे। फिलहाल मैं पे निकलता हूँ ऐसे और फटाफट से इस वाटर के अंदर लेते अपनी बोट को और फास्ट लाइन में निकलना होगा क्योंकि इन सबको लेके जाना है मुझे, क्योंकि एक बोट में मैं एक से ज़्यादा नहीं चल सकता कि दो तो बैठ जाएंगे विलेजर पर, उनको ले जाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे निकलता हूँ मैं फटाफट से, चलते इन सारे विलेजर्स को लेके हमारे आयरन फार्म की तरफ और देखते हैं हमें कितना टाइम लगने वाला, बहुत टाइम तो बहुत ही लगने वाला है। तो फटाफट से हम इसको ऑफ कैमरा करने वाले, तो फटाफट से यहाँ पे कुछ डर्ट है इसको भी निकाल लेते हैं जो कि शवल से इजीली निकल जाएंगे। यहाँ पे मेरी बोर्ड भी फंस चुके, फिलहाल यहाँ पे मैं कुछ बोर्ड हमारे आ चुके और विलेजर्स भी यहाँ पे अच्छे से आ चुके जो कि मैंने लेके आया था। और फिलहाल यहाँ पे मैं हमारे जो इसको फेंस का लॉक कर लिया है क्योंकि भागे ना, और फिलहाल मैं थोड़ी देर नाइट होने का इंतजार करते हैं। ओके यहाँ पे सनराइज़ हो चुके और यहाँ पे फटाफट से विलेजर भी सोने चले चुके और फिलहाल फटाफट से विलेजर भी सारे सोने वाले हैं। और फिलहाल मुझे यहाँ पे जॉम्बिस को भी लेके आना है जो कि इजीली आ तो जाएंगे, फटाफट से इनको देखते बहुत ही इजीली तो नहीं आएंगे, उनको थोड़ी सी परेशानी होगी। फिलहाल यहाँ पे मैंने बहुत सारे जॉम्बिस को भी लेके आ चुका हूँ मैं, जिनको मैंने बोट के अंदर बिठा रखा है क्योंकि भागे ना, बट इनको अच्छे से निकालना होगा मुझे। फटाफट से इनको निकालते एक अच्छे शॉट मारते। ओके गाइस मैंने यहाँ पे बहुत सारे जॉम्बिस को भी सॉल्व कर लिया है और यहाँ पे मस्त से 2 जॉम्बिस से यहाँ पे कुछ क्योंकि कुछ जॉम्बी मर चुके हैं और फिलहाल मैं इसके ऊपर चलता हूँ, यहाँ पे इस तरह आ जाएंगे। ओके यहाँ पे भागे ना सिर्फ इनका ध्यान रखना है मुझे और फिलहाल मेरे को जॉम्बी का भी ध्यान रखना है क्योंकि जॉम्बी भी हमें किल कर सकता है। और फिलहाल यहाँ पे बहुत से डर्ट्स को लगा लेता हूँ और पूरे पूरे रास्ते को पैक कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे अब पूरा का पूरा सेटअप रेडी हो चुका है
और फिलहाल पे मैंने एक खोपर भी लगाए रखा है। इस वाले साइड पे मुझे लगाने एक डर्ट, डर्ट लगाने के बाद अच्छे से हो जाएगा ये। तो फिलहाल मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ एक और होपर, क्या यहाँ पे एक और होपर लग जाएगा। उससे पहले मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे चेस्ट रखनी हमें बड़ा बस, यहाँ पे भी लगा लेते हैं चेस्ट को, लग जावे चेस्ट बड़ा बस। यहाँ पे चेस्ट लग चुके और एक डर्ट लेके यहाँ पे भी मुझे डर्ट लगानी होंगी क्योंकि वो होपर भी मुझे कनेक्ट करने होंगे अच्छे से। तो फटाफट से यहाँ पे एक होपर लगा लेता हूँ मैं, यहाँ पे एक होपर लग जाएगा इस तरह से, और इस तरह से इस वाले जगह पे भी होपर लग जाएगा। फटाफट से यहाँ पे एक होपर लगा लेते हैं, पूरे पूरे होपर में लगा लिए। और फिलहाल यहाँ पे मुझे एक चेस लगानी है, तो फटाफट से यहाँ पे एक चेस लगा लेते हैं और पूरा का पूरा सेटअप कनेक्ट हो जाएगा। जब भी यहाँ पे आयरन गोलम आके मरेगा मुझे बहुत कष्ट से आयरन नगेट्स मिल जाएंगे। और फिलहाल मैं यहाँ पे अपने जो साइंस है उन्हें बना के लेके आता हूँ, और मैंने यहाँ पे लावा बकेट भी लेके आया मैं पास वाले पूल से। तो यहाँ पे बहुत सारे साइंस है, तो इन साइंस को भी आप लगा लेते हैं। यहाँ पे वन साइन यहाँ पे लग जाएगा, और दूसरा साइन यहाँ पे, और तीसरा साइन में इस वाले साइड पे लगा लेता हूँ। और यहाँ पे बना लेते मस्सा, यहाँ पे लगा लेते लावा, लावा बकेट को इधर डालते हो, यहाँ पे मस्सा लावा भी लग चुका है। और वाटर को भी इस वाली साइड से लगाने वाला हूँ, तो वाटर भी यहाँ पे मस्सा आ चुका है और पूरा पूरा सेटअप रेडी हो चुका है आयरन गोलम स्पॉन होने के लिए। और फिलहाल मैं ऊपर से कुछ ग्लासेस लगा लूँगा और ऑफ कैमरा में सबको भी अच्छे से कर लूँगा। और मैं फटाफट से यहाँ पे कुछ, भाई मैं ना मर जाए यहाँ पे, इतना भाई को ध्यान रखना है। फिलहाल पे चलते ऊपर और हमारे जो यहाँ पे कुछ हमारे जो ग्लासेस में बना के क्या मेरे पास पड़े हुए थे, तो फिलहाल यहाँ पे इस ग्लासेस को भी लेके आ चुका और इस ग्लासेस को लगा लेते। पूरा का पूरा सेटअप हमारा रेडी हो चुका है क्योंकि यहाँ पे मस्त आयरन गोलम आके मर भी रहे। अब देख सकते बहुत सारे, ओ गाइस मेरे ना मर जाए, इतने में अब मस्त आयरन गोलम आ रहे हैं, मर रहे और आयरन नगेट मुझे मिल रहे हैं। तो देखते कितने आयरन नगेट्स वहाँ पे आ चुके, फटाफट से यहाँ पे देख के आते। और फिलहाल यहाँ पे निकल भाई, मेरे ना मर जाओ यहाँ पे, फटाफट से ऐसे निकलते और देख के आते कितने आयरन नगेट्स वहाँ पे आ चुके, अच्छे खासे तो आ ही चुके होंगे। फिलहाल ऐसे निकलते और फटाफट से यहाँ पे निकलते और यहाँ पे देखते कितने सारे आयरन नगेट्स यहाँ पे आ चुके। चेस्ट ओके, 16 आयरन नगेट्स बहुत ही रेयर होता है। फिलहाल हमारा जो ऑफ कैमरा ये बहुत ही घटिया लग रहा होगा, बट ऑफ कैमरा के बाद मैं इसे मस्त कर लूँगा। फिलहाल इस वीडियो का एंड करते हुए, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मैं लूँगा आपको नेक्स्ट क्रेजी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।